हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा चैनल तैबा कुक्स विद लव। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ कटलेट, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो कटलेट है वेज एंड नॉन वेज का मिक्स है। तो मैंने एक कटोरी लिया है शिमला मिर्च, इसको बारीक बारीक चॉप कर लें। एक कटोरी है मेरी गाजर, गाजर को मैंने कद्दूकस कर लिया है। एक कटोरी मैंने चिकन लिया है, चिकन को मैंने उबाल के इसको मैंने चॉपर में चॉप कर लिया है। और एक कटोरी है पत्ता गोभी, पत्ता गोभी को भी मैंने चॉपर में चॉप कर लिया है। साथ में मैंने लिया है एक कटोरी मटर, मटर को मैंने उबाल के रख लिया था। इसमें है थोड़ी धनिया पत्ती और सोया पत्ती, इसको चॉप करके मैंने रख लिया है। अब चलिए इन सबको हम मिक्स करते हैं। ये कटलेट बहुत हेल्दी है और बहुत टेस्टी है। अगर आपके घर में बच्चे हैं ना और वो सब्जियां नहीं खाते हैं, तो उनको आप ऐसे सारे वेजिटेबल्स को मिक्स करके एक साथ में आप उनको दे सकते हैं कटलेट बना के, लंच बॉक्स में दे सकते हैं, शाम की चाय के साथ आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने सबको इसमें डाल दिया है सारी चीज़ों को। अब मैं इसमें मटर भी जा चुकी है अब हमारी इसमें, अब मैं इसमें डालूंगी एक बड़ा चम्मच चाट मसाला, हाफ टी स्पून गरम मसाला मैंने इसमें डाल दिया है, कॉर्नफ्लावर इसमें मैंने डाला है दो बड़े चम्मच, आप कॉर्नफ्लावर के जगह मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने डाल दी हरी मिर्ची की चटनी, या आप घर पे जो भी हरी चटनी बनती है ना आप उसमें यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें जाएगी एक कटोरी ब्रेड क्रम्ब, एक अंडा इसमें हम डाल देंगे। कि सारी चीज़ें इतनी हेल्दी हैं। वन टी स्पून सिरका इसमें जाएगा, सोया सॉस 1 टीस्पून, इमली की चटनी 1 टीस्पून डाल दी मैंने इसमें, 2 टीस्पून नमक मैंने इसमें डाल दिया है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप देख लेना। अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए, ब्रेड क्रम और जो कॉर्नफ्लावर मैंने इसमें डाला है ना, ये इसकी बाइंडिंग के लिए है, क्योंकि सारी सब्जियां हैं पानी छोड़ेंगी इसमें। तो आप देख लेना, अगर आपको ज़रूरत लगे तो इसमें आप कॉर्नफ्लावर, मैदा या ब्रेड क्रम, इसमें से कोई भी आप इसके अंदर और ऐड कर सकते हैं। ये मैंने एक अंडा ले लिया, उसमें हाफ टी स्पून मैंने आमचूर और 1 पिंच नमक और 50 ग्राम दूध डाल के इसे अच्छे से फेंट लिया है। हमें करना ये है, एक एक करके अपने सारे कटलेट को अंडे में डिप करेंगे, फिर ब्रेड क्रम से उसे अच्छे से कोट कर लेंगे एक एक करके। फिर ये देखिए, सारे कटलेट हमारे हो चुके। अब हम फ्राई करेंगे। ये मैंने ले लिया है मस्टर्ड ऑयल 500 ग्राम, आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं। जब आपका तेल गर्म हो जाए अच्छे से, फिर एक एक करके हम उसमें अपने सारे कटलेट डाल देंगे और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई करेंगे। फ्लेम का बहुत ध्यान रखना है हमें, फ्लेम हमें हाई नहीं रखना है, इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे ही हम इसे फ्राई करेंगे। आपको जितना क्रिस्पी चाहिए उतना आप इसे ब्राउन कर सकते हैं। ये देखिए, बहुत ही मज़े का और बहुत ही टेस्टी बनता है ये कटलेट, आप सब इसे ज़रूर ट्राई करना। ये देखिए, हमारे कटलेट हो चुके हैं तैयार, अब हम इसे निकाल लेंगे। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, बेल बटन ज़रूर प्रेस करना आगे की नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।